आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें तीन इक्वेशन दी हुई हैं और उनके रिस्पेक्टिव रेट कांस्टेंट भी दिए हैं और हमें निकालने हैं एक फोर्थ इक्वेशन, उसका रेट कांस्टेंट। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखिएगा, जो फोर्थ इक्वेशन है वो इन तीनों के इक्वेशन के कॉम्बिनेशन से बनी है। लेट्स सी हाउ। तो पहले इक्वेशन लिखते हैं जल्दी से, ए गोज़ टू बी, इसका जो रेट कांस्टेंट है वो है कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए। सिमिलरली फॉर सेकंड, बी गोज़ टू सी, के टू इज कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी, एंड फाइनली सी गोज़ टू डी, के थ्री विल बी कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सी। और जो हमें फोर्थ इक्वेशन फाइनली चाहिए उसका एक्सप्रेशन क्या होगा? के फोर विल बी कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब देखिएगा, जो हम 1, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो ये बी से बी कैंसिल आउट होगा, सी से सी कैंसिल आउट होगा, हमें बचेगा जो हमें चाहिए ए गोज़ टू डी। बट यहाँ पे कैच है, हम जब तीनों क्वेश्चन को ऐड करेंगे तो जो K1, K2, K3 हैं वो ऐड नहीं होंगे, वो होंगे मल्टीप्लाई। कैसे? देखिए, K1 टाइम्स K2 टाइम्स K3 क्या होगा? जब यहाँ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से बी कटेगा और यहाँ पे सी कटेगा, तो जो न्यूमरेटर में फाइनली बचेगा वो होगा डी का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में ए का कंसंट्रेशन, विच इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू K4। सो K4 इज K1 टाइम्स K2 टाइम्स K4, विच इज़ 2 टाइम्स 4 टाइम्स 3, 8 टाइम्स 3 इज 24। सो आंसर इज 24। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।